In my last lecture, I was dealing with work. मैं thermodynamics में internal energy concept को समझा चुका था. मैं thermodynamics में heat के concept को समझा चुका था. और मैं work start कर दिया था. मैंने mechanical work उसकी definition लिखवा दी थी. Mechanical work के लिए मैंने expression लिखवा दिया था. And since we are studying thermodynamics, so we will focus here on thermodynamic work. Here, by the term thermodynamic work, we mean to say, if we have got a thermodynamic system, कोई thermodynamic system है जिसका कुछ pressure है, कुछ volume है, कुछ temperature. इस thermodynamic system के साथ में कोई thermodynamic process होता है. Now, what do you mean by thermodynamic process? Means either pressure changes or volume changes or temperature change. उस system का या तो pressure में कोई फर्क है, कहीं पर या तो प्रेशर में कुछ वेरिएशन है, या वॉल्यूम में वेरिएशन है, या टेम्परेचर में वेरिएशन है, या इनमें से कोई दो फिजिकल पैरामीटर में या तीनों फिजिकल पैरामीटर में कोई वेरिएशन हो रहा है. और इस तरह से हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम के साथ कुछ प्रोसेस हो रहा है. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सम वर्क इज डन. आइदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम. मैं उसी थर्मोडायनामिक वर्क को कंसेप्चुलाइज करना चाहता हूं. मैं कैसे करूंगा उसको बड़े ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले थर्मोडायनामिक Now, I had drawn a thermodynamic system. The thermodynamic system is filled in the cylinder, which have got some pressure, which have got some volume, which have got some temperature. Thing out the cylinder would be called surrounding. And the wall of cylinder with the piston would be called the boundary. Now, if gas and pressure P, this instant, but at this instant, the gas is occupying the volume of V and the pressure of gas is P. While the external pressure of the surrounding is some P external, pressure. Now, this external pressure may be due to various factors. External pressure, external atmospheric pressure bhi ho sakta hai. External atmospheric pressure ke alawa, some person might have hold this piston in this manner. That person may be pushing this piston. वहां person उस piston को push कर सकता है और इस तरह से कुछ pressure लगा भी सकता है. हो सकता है some person might have pulling this piston in this manner. So even that person would be called surrounding. उस पर्सन के इस पिस्टन को खींचने से वह पर्सन इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस तरह से, और
उसकी वजह से भी वहां जो प्रेशर है, ऑल दोस एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अकाउंटेड इन दिस एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल. अब हम कहते हैं सिस्टम का प्रेशर पी है, सिस्टम के प्रेशर की वजह से सिस्टम इस पिस्टन के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा एंड दैट वुड बी कॉल्ड फोर्स ड्यू टू सिस्टम. मैं ऐसे लिखता हूं, फोर्स ड्यू टू सिस्टम. देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, हेंस फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. हम कहते हैं सिस्टम है, पिस्टन के ऊपर इस तरह से प्रेशर लगेगा और इस प्रेशर की वजह से पिस्टन के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा. दैट फोर्स ड्यू टू सिस्टम, आई राइट इट लाइक दिस, एफ सिस फोर्स ड्यू टू सिस्टम, इट्स प्रेशर ऑफ द सिस्टम पी इनटू द एरिया ऑफ पिस्टन ए. दिस इज फोर्स ड्यू टू सिस्टम. व्हाइल वन कैन ऑल्सो कंसेप्चुलाइज फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग, फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग. सराउंडिंग जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है, दैट इज अप्लाइंग द प्रेशर ऑफ पी एक्सटर्नल. इस पी एक्सटर्नल की वजह से इस पिस्टन के ऊपर इस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा. एंड फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग वुड बी गिवन बाय P external into area. Here A is the area of this piston. या piston का जो भी कुछ shape होगा, यदि circular shape है, circular cylinder है, तो piston भी circular होगा. It would be pi r square sir. अब there is some force applied by the system on the piston, there is some force applied by surrounding on the piston. Under the action of the two forces, the piston got displaced by some displacement dx. Yaha piston dx se displace ho jata hai. Piston dx se displace hokar इसकी फाइनल पोजीशन, इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाती है. दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ पिस्टन. एक्स मींस फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, डीएक्स मींस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन. वी यूज टू से सम प्रोसेस टुक प्लेस, जो हमारा सिस्टम है उसके साथ में कुछ प्रोसेस हो गया. क्योंकि यह पिस्टन मूव कर गया, इस पिस्टन के मूव कर जाने से वहां पर वॉल्यूम बढ़ गया, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो गया. और इस तरह से वॉल्यूम में यदि चेंज आता है तो हम कहते हैं सिस्टम के साथ में कुछ प्रोसेस हुआ. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम वर्क इज डन. इस प्रोसेस के दौरान वर्क हुआ है. बिकॉज वी यूज टू से व्हेनेवर द
there is a displacement, there is some work. यदि कहीं पर भी कोई displacement हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ work हो रहा है. हमने mechanical work को define करते समय यह बात बताइए. Work done is F dot S. Work done is F dot S. Work होने के लिए कुछ force होना चाहिए, कुछ displacement होना चाहिए. इधर system की वजह से भी force है, इधर surrounding की वजह से भी force है, और piston का displacement भी हो रहा है. इसका मतलब कुछ work तो निश्चित हो रहा है. Now, I want to calculate that work. मैं उस work को calculate करना चाहता हूं. System की वजह से जो force लग रहा है, तो system के द्वारा भी कुछ work होएगा, और surrounding भी कुछ force लगा रहा है, तो surrounding के द्वारा भी कुछ work होगा. सबसे पहले, we used to say, when this piston moves by displacement of dx, जब यह piston dx से move हो रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है, then there is some change in volume. dv is the change in volume. dv is differential change in volume. dv is differential change in volume. Differential means a very, very small change in volume. Now, I can always write expression for dv. If A is the cross-section area of piston, piston ka the cross-section area A hai, and if this piston got displaced by dx, then this dv would be always equal to A into dx. A is the cross-section area. Displacement in the piston is dx. So this is the increase in volume. Piston idhar se idhar aaya hai. Idhar se idhar aate samay itna volume mein increment hua hai. And this increment in volume would be given by cross-section area into the displacement. This is dv. Ab, main sabse pehle determine karta hun work done by system. Work done by the system. We used to say, जरा mechanical work को हमने कैसे define करा है, उस definition को खोलिए. इस जगह पर force due to system, it's not a constant, it's a variable force. क्यों? जैसे जैसे यह piston move करेगा, जैसे जैसे volume increase होएगा, वैसे वैसे वहां पर प्रेशर में वेरिएशन आएगा, और उस प्रेशर में वेरिएशन की वजह से फोर्स में वेरिएशन आएगा. सो दिस इज अ वेरिएबल फोर्स सिस्टम. फॉर सच वेरिएबल फोर्स सिस्टम, व्हेन पिस्टन गॉट डिस्प्लेस्ड बाय डीएक्स, वी यूज टू से डिफरेंशियल वर्क डन बाय द सिस्टम इज force due to system dot displacement dx. हम इस तरह से लिखेंगे work done by the system. This differential work done by the system may be expressed in this manner. Its magnitude of force
due to system into magnitude of dx into cos of angle between them. Now, observe that force due to system is in this direction and displacement vector is also in the same direction. Force vector or displacement vector same direction mein hai, collinear hai, unke beech mein angle hai 0 degrees. I will define force due to system in this manner and work done by the system in this manner. This is differential work done by the system during this differential displacement. The piston mein differential displacement hua, so system ke dwara jo work hoega waha bhi differential hoega, and that differential work would be given by this expression. अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू सिस्टम इज पी इंटू ए. दिस इज फोर्स ड्यू टू सिस्टम. मैग्नीट्यूड ऑफ डीएक्स वेक्टर इज सिंपली डीएक्स and cos of 0 degrees is plus 1. This is work done, differential work done by the system, and this is the expression. Maine magnitude of force ki value substitute kari hai, magnitude of dx aur cos 0 degree ki value substitute kari. Now if I rearrange this, differential work done by system is P into ADX. ADX को एक साथ में लिख दूं, but ADX is dV, the differential change in volume. So this is equal to P dV. We had already said that this is differential work. The net work done by the system is integral of d differential work, means add all such differential work and we'll get the net work done by the system or integral of p dv. This is work done by the system. This is the expression for thermodynamic work done by the system. The derivation is important. You need to note it down. Mechanical work hota hai F dot S or integral of F dot ds, while thermodynamic work is given by integral of P dV. मुझे भी काफी सारे कंसेप्ट समझाने इसी से रिलेटेड. पहले यह बेसिक डेफिनेशन. अब हम सिर्फ वर्क डन बाय द सिस्टम ही नहीं देखेंगे, हम वर्क डन बाय द सराउंडिंग भी कंसेप्चुलाइज करेंगे. इधर मैंने लिखा है फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग इज पी एक्सटर्नल ए. वी मे ऑल्सो कंसेप्चुलाइज वर्क डन बाय सराउंडिंग. वर्क डन बाय सराउंडिंग नाउ इन ऑर्डर टू कंसेप्चुलाइज वर्क डन बाय सराउंडिंग हम वंस अगेन वर्क की डेफिनेशन वही इस्तेमाल करेंगे. इधर हमने वर्क डन बाय सिस्टम के लिए लिखा था फोर्स ड्यू टू सिस्टम डॉट डीएक्स. वर्क डन बाय सराउंडिंग के लिए हम लिखेंगे डिफरेंशियल वर्क डन बाय सराउंडिंग इज फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग डॉट डीएक्स. Work done by surrounding, the definition remains same as the work done by system.
वर्क की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस, सिस्टम की वजह से वर्क निकालना है तो फोर्स सिस्टम का लिखेंगे, सराउंडिंग की वजह से वर्क निकालना है तो फोर्स सराउंडिंग का लिख देंगे. नाउ वी यूज टू से दिस डिफरेंशियल वर्क डन बाय सराउंडिंग, फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग डॉट डीएक्स, इट मे बी रिटर्न इन दिस मैनर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएक्स इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम. अब जरा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम देखिए, सराउंडिंग की वजह से प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा, सराउंडिंग की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, जबकि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में दे आर अपोजिट टू ईच अदर व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. So angle between them would be 180 degrees. I'll write cos of 180. देखिए इधर हमने लिखा था cos of 0 degree, जबकि इधर लिखा है cos of 180 degree. जब volume increase हो रहा है ऐसी condition में, इधर cos 0 degree तो इधर cos 180 degree. यदि volume decrease हो रहा होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो पिस्टन अंदर जाएगा. ऐसी कंडीशन में इधर 180 डिग्री होगा, इधर 0 डिग्री होगा. एनीवे अभी हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम के लिए पहले सारी बात समझ लेते हैं. डिफरेंशियल वर्क डन बाय सराउंडिंग. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग, इसकी जगह पर मैं यह एक्सप्रेशन लिख दूं, पी एक्सटर्नल इन टू ए. मैग्नीट्यूड ऑफ डीएक्स, डीएक्स ही लिखाएगा, और कॉस 180 डिग्री कैन बी रिटन एज माइनस वन. दिस इज डिफरेंशियल वर्क डन बाय सराउंडिंग, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इट. नाउ वंस अगेन, इन ऑर्डर टू राइट द एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीअरेंज इट. पी एक्सटर्नल ऐसा कैसे लिखता हूं मैं, ए डीएक्स साथ में लिख देता हूं माइनस वन इस तरह से, एंड विल गेट डिफरेंशियल वर्क डन बाय सराउंडिंग इज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, ए डी एक्स की जगह वंस अगेन पी डीवी. दिस इज डिफरेंशियल वर्क डन बाय द सराउंडिंग. इन ऑर्डर टू गेट टोटल वर्क डन by the surrounding, I'll integrate this differential work done by surrounding. इस तरह से सारे differential small works add कर दिए जाएं. Adding differential element means integrating. It's minus of integral of P external dV. This is the work done by the surrounding. मैं पूरे डेरिवेशन को साफ करके अब इधर फाइनल एक्सप्रेशन जो मैंने ऑब्टेन करा है मैं वहां लिख देता हूं. वर्क डन बाय सिस्टम इज इंटीग्रल ऑफ पीडीवी दिस इज वर्क डन बाय सिस्टम वर्क डन बाय सराउंडिंग के पूरे डेरिवेशन को देख लीजिए और अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन आया है
उसे हम फाइनली लिखते हैं और फिर उसके मतलब हम ड्रॉ करेंगे। वर्क डन बाय सराउंडिंग फाइनली इट्स माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। दिस इज वर्क डन बाय सराउंडिंग। अब देखिए वर्क डन बाय सिस्टम में प्लस साइन एंड दिस प्रेशर ऑफ द सिस्टम, वर्क डन बाय सराउंडिंग में माइनस साइन और दिस प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। और खास बात डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, हियर ऑल्सो डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब एक बात और देखिए, दे आर नॉट द टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस नहीं है। जब मैंने लिखा है डीवी इज एडीएक्स, डीवी इज डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब एक बात आप जरा सोचिए, यदि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन बाहर जा रहा है और सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सराउंडिंग का वॉल्यूम कम होगा। पिस्टन बाहर जा रहा है और बाहर जाते हुए पिस्टन की वजह से सिस्टम जो है मतलब सिलेंडर के अंदर भरी हुई जो गैस है इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जितना भी वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है सराउंडिंग का उतना ही वॉल्यूम कम होगा। हम कहेंगे दिस डीवी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डीवी एक्सटर्नल। डीवी ऑफ सिस्टम इज माइनस ऑफ डीवी एक्सटर्नल। सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सराउंडिंग का वॉल्यूम कम होगा। मैं माइनस ऑफ डीवी ऑफ सिस्टम की जगह पर यह भी लिख सकता हूं वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी एक्सटर्नल। माइनस ऑफ डीवी इसकी जगह डीवी एक्सटर्नल, माइनस ऑफ डीवी इसकी जगह डीवी एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज डीवी एक्सटर्नल? डीवी एक्सटर्नल इज डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज ऑफ सराउंडिंग, डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम। अल्टीमेटली वन वुड ऑलवेज कंक्लूड दैट थर्मोडायनामिक वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। Thermodynamic work is always equal to integral of P dV. मुझे work done by system determine करना है तो integral sign के अंदर system का pressure लिखूंगा और सिस्टम का डीवी लिखूंगा। यदि मुझे वर्क डन बाय सराउंडिंग डिटरमाइन करना है तो इंटीग्रल साइन के अंदर मैं सराउंडिंग का प्रेशर लिखूंगा और सराउंडिंग का डीवी लिखूंगा। वर्क डन ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। वर्क डन बाय सिस्टम इज इंटीग्रल पी डीवी और वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी एक्सटर्नल।
और dv एक्सटर्नल की जगह फिर माइनस dv लिखा जा सकता है. अब देयर वुड बी टू केसेस, आइदर द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम में बी इंक्रीजिंग और द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम में बी डिक्रीजिंग. या तो सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा या सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा.